बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े का वाटरमेलन रिफ्रेशिंग ड्रिंक टू टाइप्स लेके आई हूं। इसमें एक में लेमोनेड के साथ और एक में स्प्राइट के साथ। चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपके साथ वाटरमेलन टू टाइप्स ड्रिंक शेयर कर रही हूं। एक में मोजीतो और एक में स्प्राइट के साथ बनाना है और एक लेमोनेड के साथ बनाना है। तो इसमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स, मैंने वाटरमेलन एक प्लेट काट के ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया हुआ है। एक में मैंने इसके चंक्स लिए हैं, आइस क्यूब्स लिए हैं और कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, स्प्राइट बॉटल ली है और काला नमक लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लेंडर जार लिया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ वाटरमेलन जो कि मैंने पूरी एक प्लेट फुल करके काट ली हुई थी। और अब इसमें मैं डालूँगी एक ही टीस्पून जो है वो काला नमक, और इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं, इसका ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है। और इसको करते हैं ब्लेंड 3 से 4 मिनट तक। जो है वो ले लिए सर्विंग के लिए। एक में मैं डालूंगी लेमन और एक में डालूंगी स्प्राइट। और इसमें सबसे पहले हम डालते हैं स्प्राइट वाले में, इसमें डालते हैं पहले जूस वाटरमेलन का, हाफ में इसमें जूस डालूंगी। इसमें एक में लेमन एड हाफ ऐड कर लेते हैं और एक में हाफ स्प्राइट। और इसमें ये मैं लेमन एड ऐड कर रही हूँ। पुदीने की पत्तियों के साथ और थोड़े से इसमें चंक्स डाल देते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। जब ये आप पीते हैं ये आपके मुंह में आता है तो इसका भी बहुत मजा आता है। अभी हम इसको थोड़े से पत्तियों के साथ गार्निश कर लेते हैं। देखिए मैंने वाटरमेलन ड्रिंक को सर्व कर लिया है। ये दोनों टाइप्स का रेडी है, एक में मैंने स्प्राइट यूज़ किया और एक में लेमन है। दोनों ही बहुत मज़े के हैं। आप भी प्लीज़ दोनों रेसिपीज को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आपको मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।